हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय फैमिली लाइफ में स्वागत है। आज हम सभी जा रहे हैं प्रयागराज संगम स्नान के लिए, और आज बड़ा मंगल भी है तो सभी लोगों ने प्लान बनाया कि आज प्रयागराज संगम स्नान के लिए चलते हैं। और इसके लिए हमने निगोहा से लखनऊ प्रयागराज इंटरसिटी ट्रेन पकड़ी और उसमें बैठ के सभी लोग जा रहे हैं। करीब 11 बज चुके हैं और जो भी कुछ घर से बन के आया था, पूड़ी कचौड़ी, वो सभी लोग खा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं फाफामऊ पुल के पास और हमारी ट्रेन फाफामऊ पुल से गुजर रही है। ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है, और जब गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ होता है तो इस पुल से बड़ा ही सुंदर लगता है। और इसके बाद हम ट्रेन में बैठते बैठते आ गए हैं प्रयागराज संगम स्टेशन पे, और बारी बारी से उतर कर हम संगम स्टेशन से बाहर चलेंगे और फिर वहाँ से जो भी साधन मिलेगा, टैक्सी या फिर ई रिक्शा, उसमें बैठकर हम संगम घाट तक जाएंगे। और ये देखिए प्रयागराज संगम स्टेशन है, और हम सभी लोग स्टेशन से बाहर जाएंगे तभी कोई हमें साधन मिलेगा। हमारी ट्रेन ठीक 12 बजे संगम स्टेशन पे पहुंच चुकी थी। अब हम धीरे धीरे करके संगम स्टेशन के बाहर आ गए हैं, और संगम स्टेशन से बाहर आकर के फिर हमने एक टैक्सी की, और टैक्सी में बैठकर फिर हम सभी लोग आ पहुँचे हैं संगम घाट पे। और ये वो भक्त हैं जिनकी मन्नत पूरी हो चुकी है और हनुमान जी के दरबार में झंडा चढ़ाने आए हैं, और इतनी तपती गर्मी में मंदिर की ओर जा रहे हैं। मोबाइल कहाँ है? इसके बाद हम सभी लोग आ गए हैं गंगा जी के किनारे, और ये देखिए कितने ही लोग आज गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। तो हम सभी लोगों ने भी गंगा में स्नान किया और सभी लोगों ने खूब इंजॉय किया, क्योंकि दोपहर का समय था तो गर्मी अधिक पड़ रही थी, तो नहाने में सबको बड़ा मज़ा आया। और आज जैसा कि बड़ा मंगल है तो दूर दूर से भक्त गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आए हैं, और देखिए बच्चे बड़े सभी लोग आज स्नान कर रहे हैं। तो हमने भी स्नान किया गंगा जी में, और उसके बाद अपने श्री लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराया, और उसके बाद उनकी पूजा हुई, अच्छे वस्त्र पहनाए गए। फिर इसके बाद सब लोग तैयार हो करके आ गए हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के मुख्य गेट पर, और यहीं से हमने प्रवेश किया। और ये देखिए तुलसी की माला, फूल, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। पूजा का सारा सामान आपको यहाँ मिल जाएगा, सभी दुकानें लगी हुई हैं। और हनुमान जी को भोग लगाने के लिए बेसन के लड्डू लिए, क्योंकि हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय हैं, तो हमने लड्डू लिए प्रसाद में हनुमान जी को भोग लगाने के लिए, और पूजा का सामान लेकर के हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर के बाहर भंडारे की भी व्यवस्था थी, तो हम लोगों ने शरबत का जो प्रसाद है वो पाया। और ये देखिए श्री हनुमान जी महाराज का मुख्य गर्भगृह, जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। सभी भक्त हनुमान जी की भक्ति में डूबे हुए हैं। इसके बाद
सभी लोग आ गए हैं श्री आदि शंकराचार्य जी के मंदिर की ओर। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है जिससे हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। ये मंदिर 5 मंजिल का है जिसमें कि ऊपर के 2 माले बंद हैं, केवल 3 मंजिल तक ही प्रवेश दिया जाता है। तो आइए हम सभी लोग दर्शन करते हैं। अब हम प्रथम मंजिल पे आ गए हैं और हमने सबसे पहले यहीं दर्शन किए। उसके बाद फिर हम दूसरी मंजिल पे जब पहुँचे तो हमें भगवान शिव जी के विशाल शिवलिंग का दर्शन प्राप्त हुआ और पुजारी जी ने सबको प्रेम से दर्शन कराया। उसके बाद हम जा रहे हैं तीसरे माले की ओर और यहाँ हमें भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ। सभी लोगों ने दर्शन किया, सबको बड़ा ही आनंद आया। और फिर हम मंदिर के बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप सभी को। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। जब गंगा जी का जल स्तर बढ़ जाता होगा तो सच में बड़ा ही सुंदर लगता होगा। और सभी लोगों ने अपने कैमरों में यहाँ के सुंदर नज़ारे को कैद किया और सबको बड़ा ही आनंद आया संगम की यात्रा करके। इसके बाद आ गए हैं प्रयागराज संगम स्टेशन पे और सभी लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, जैसा कि शाम का समय है। और कैसी रही हमारी प्रयागराज संगम की यात्रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और माय फैमिली लाइफ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गंगा मैया, जय हनुमान जी।